गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ तनवीर अहमद। आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे ऑनलाइन लर्निंग क्लास। इन दिस पार्ट वी विल कवर द एडिशन रिएक्शन, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। बिफोर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट एवर आई हैव लर्न इन द प्रीवियस पार्ट। इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव लर्न हाउ द ऑर्गेनिक कंपाउंड burns in the presence of air, in a solid, how solid fuels burn and the how gaseous fuel burns। मैंने बताया था कि जो भी solid fuels होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो भी आपका volatile matter होता है वो थोड़ी मोड़ी flame को produce करते हैं। साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि जो आप liquid fuel है जैसे कि LPG है, उनकी जब बर्निंग होती है तो क्या होता है, वो फ्लेम प्रोडक्शन करती है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन के बारे में बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में, जैसे पढ़ा था मैंने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक आपके अल्कोहल भी हैं जिनको हम लोग इथाइल अल्कोहल कह रहे हैं। अगर मैं उनको हीट करूं और उनमें कुछ एक मीडियम डालूं, जैसे कि अल्कलाइन मीडियम था जो कि KMnO4 या फिर K2Cr2O7, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है ना। जब भी पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप किसी भी अल्कोहल में डालोगे, ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइज कर देती है, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन में होंगे क्या, अब ध्यान से देखेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडेड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज प्लैटिनम और निकल टू फॉर्म ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कैटलिस्ट आर सब्सटेंस दैट कॉजेस अ रिएक्शन टू अकर्स और प्रोसीड एट ए डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग ए निकल कैटलिस्ट। Vegetable oil generally have a long unsaturated carbon chain, while the animal fat have a saturated carbon chains। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं उसे समझो। मान लो कि जैसे मैंने अल्कीन के बारे बताया या फिर अल्काइन के बारे, जो भी हैं, जहाँ पे सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपके प्रेजेंट रहे, ठीक है, उनमें क्या होता है, जब भी मतलब कि अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहा तो उसमें हाइड्रोजन के एडिशन को हम लोग कह रहे हैं। मतलब कि पहले इस कैटलिस्ट को, एक मतलब इस रिएक्टेंट को एक कैटलिस्ट के थ्रू पास किया जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद होती है। तो ये क्या क्या करती है, यहाँ पे आकर के स्टिक कर जाती है, मतलब इस कैटलिस्ट पे प्लैटिनम या फिर आपका निकल में स्टिक कर जाती है। आकर के स्टिक करने से क्या होता है कि हाइड्रोजन की तोड़ती हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, फर्दर ये जो अनसैचुरेटेड था हाइड्रोकार्बन वो फर्दर किस में कन्वर्ट करती हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड थे, तो ये बॉन्ड टूटेंगे तो एक बॉन्ड इधर जाएगा, एक बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से ये कार्बन है, एक बॉन्ड इस तरह से इसमें बने हुए थे, ये कार्बन में एक बॉन्ड इस तरह बने थे। अब टूटने वाले जो बॉन्ड जो टूटा उसमें हाइड्रोजन आके इस तरह से ऐड हो रही है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इन्हीं को मैं हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये एडिशन रिएक्शन है। मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज कॉल्ड क्या कहला रही है, वो एडिशन रिएक्शन कहला रही है। तो जब किसमें हो गया एडिशन, जब वहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होंगे। तो यू मस्ट हैव सीन एडवर्टीजमेंट स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। एनिमल फैट जनरली कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी ए हार्मफुल फॉर हेल्थ। कहने का मतलब ये हुआ कि इन लोग जैसे कि बताया गया यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है कि जितने भी एनिमल फैट जो कि क्या होते हैं, एडवर्टीजमेंट में बताया जाती है कि सम जो ऑयल होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। साथ साथ में क्या हो रहा है कि एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच इज
सेड टू बी ए हार्मफुल फॉर हेल्थ, मतलब जो सैचुरेटेड एसिड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े ही आपके लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड वाले उतने हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर ए कुकिंग, जितने भी हम लोग ऑयल खाने के लिए यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले ऑयल होते हैं जिनको हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर अ फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ए मोस्ट रिएजेंट। तो जितने भी जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है फेयरली अनरिएक्टिव, अब जो होंगे उसमें तो रिएक्टिविटी होगी नहीं, ठीक है ना। सैचुरेटेड करने का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, और इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ए मोस्ट रिएजेंट है। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोजन इन ए वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाई वन, इट इज़ कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम टेक द प्लेस ऑफ ए अनदर। ए नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट आर यूजली फॉर्म्ड विद द हायर होमोलोगस और ए अल्किन्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि जनरली जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि सैचुरेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब इनर्ट होते हैं, लेकिन हाँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन जब आती हैं अल्ट्रा वायलेट रे के प्रेजेंस में होती क्या है, इससे भी क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन में होता क्या है, ये CH4 हुआ प्लस Cl2 हुआ अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जैसे ये क्लोरीन टूटेंगी इस तरह से, क्लोरीन ऐसे क्या होती है कि एक फ्री रेडिकल बनाती है, तो उसके बाद इनका एडिशन होता है इसमें, तो वो रिप्लेस करती जाती हैं सिंगल सिंगल, हर तरफ से हाइड्रोजन को वो क्या करती हैं, रिप्लेस करती जाती हैं। जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया था एक बना ये, है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन ये बना, उसी तरह जितने भी हाइड्रोजन अवेलेबल है इसमें आपके मीथेन में सबको धीरे धीरे करके रिप्लेस कर देते थे। इसी रिएक्शन को जो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए पार्टिकुलर ग्रुप दैट इज कॉल्ड कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। ये दो क्वेश्चन है, आप उसको करके रख लेंगे अच्छे से। व्हाई द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज वहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, साथ साथ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथीन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। कैन यू टेल व्हाई ए मिक्सचर ऑफ इथीन एंड एयर इज नॉट यूज। अब यहाँ बताना है आपको इथाइन क्यों नहीं यूज़ होता है, इथाइन एंड एयर क्यों नहीं यूज़ होती है, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड द इथीन इज बर्न फॉर ए वेल्डिंग। कैन यू टेल व्हाई ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। नहीं बनेगा तो वी विल ट्राई टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब सेकेंड में आता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब कुछ कार्बन कंपाउंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके इसके काफ़ी ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। मैनी कार्बन कंपाउंड आर इनवैल्यूएबल टू अस बट हियर तो क्या बोला गया यहाँ, बट हियर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड इथेनॉल। मेनी कार्बन कम इनवैल्यूएबल टू अस बट हियर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टू कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। मतलब बहुत सारे कंपाउंड जो है कार्बन के जो कि इनवैल्यूएबल है, लेकिन हाँ यहाँ दो इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की बात हो रही है, तो यहाँ पे इनके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। चलिए इसके बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले बोला गया किनके लिए, इथेनॉल के बारे में। व्हाट इज़ इथेनॉल, इथेनॉल इज़ ए लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर फॉर द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इज एक्टिव इन्ग्रीडियंट ऑफ ऑल द एल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब जितने भी मतलब शराब वगैरह होती है उसमें मैक्सिमम ये इन्हीं को इन्वॉल्व किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है नशे के लिए। इन एडिशन बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, और ये गुड
सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट करने का मतलब डैट कैन डिजॉल्व एनी लिक्विड। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स। इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, मतलब कि ये वाटर में भी अच्छे से सॉल्यूबल है ना। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ डाइल्यूटेड इथेनॉल कॉजेज ड्रंकननेस, मतलब कहने का मतलब जो आपको सेंसलेस कर देती है थोड़ा सी भी अगर अल्कोहल को आप कंज्यूम करते हैं तो, ठीक है ना। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज़ अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस भी है, लोग उसको कंज्यूम करते हैं और अपने सेंस को खो देते हैं। हाउएवर इनटेक ऑफ एवरी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लेथाल। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड टू द हेल्थ प्रॉब्लम, ऐसे कंटिन्यूस अगर आपको यूज़ भी करते हैं तो क्या करेगा, वो बहुत सारे आपके ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, इसलिए इनको जो भी यूज़ करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्थ के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा घातक है, उसको मतलब इससे बचना चाहिए। और क्या बोलूँ, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, रिएक्शन विथ सोडियम, अब सोडियम के साथ अगर इथेनॉल को हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनाएगा, सोडियम इथेनोइड का फॉर्मेशन करता है, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं, वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं आप, तो होगा क्या, CH3 CH2OH प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, तो बनेंगे क्या, ये बस सोडियम इथेनोइड बनाता है ये CH2ONA बनाएंगे, तो ये टू टाइम्स इनका प्रोडक्शन करता है, तो टू टाइम्स हम यहाँ पे ले लेंगे आपके सोडियम के और टू टाइम्स इनका लेंगे, तो साथ साथ में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे ही अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये हाइड्रोजन का इवॉल्व करती हैं विद एथेनॉल। द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथोक्साइड, जो कि आप कैन वी रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन और रिएक्शन विद द मेटल्स, बहुत सारे हैं जिसमें हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है सोडियम के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हीटिंग एथेनॉल एट ए 443 केल्विन विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम लोग करते हैं किसी भी इथेनॉल को हीट, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं इथीन में, ठीक है, रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन, मतलब कि यही आपको कंडीशन याद रखनी है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड अगर सल्फ्यूरिक एसिड को लिया जा रहा है, ठीक है, और उसको हीट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में इथेनॉल कन्वर्ट हो जाती है इथीन में। ये भी रिएक्शन आपके पूछे जाते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास।